बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जो हॉलैंड के अंदर खाके निकले जिन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की, मैं ये वाजे करना चाहता हूं कि ये कोई एक मुसलमान का मसला नहीं या चंद मुसलमानों का मसला नहीं। हर मुसलमान दुनिया में जिधर भी वो बसता है, ये हम सब का मसला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के दिल में रहते हैं। जब कोई भी उनकी शान में गुस्ताखी की जाए, सारे मुसलमानों को तकलीफ होती है। और मसला हमारा ये है मुसलमानों का कि मगरब के लोगों को इस चीज की समझ नहीं है। उसकी समझ इसलिए नहीं है कि हम मुसलमानों ने उनको समझाया नहीं कि जिस तरह वो अपने दीन की तरफ देखते हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ है जिस तरह हम अपने दीन की तरफ देखते हैं। और हम सिर्फ तब समझा सकेंगे जब एक मुसलमान मुल्क बात ना करे या एक मुसलमान मुल्क एक एम्बेसडर को बुला के और अपना प्रोटेस्ट उसके सामने ना करे। सारी मुसलमान दुनिया ओआईसी के प्लेटफॉर्म से मिलके यूनाइटेड नेशंस में बताए कि हमें कितनी तकलीफ पहुंचती है जब बार बार हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है। और वो जब सारे मुसलमान मुल्क एक पेज पे आके जब हम एक ओआईसी के प्लेटफॉर्म से यूनाइटेड नेशंस में बात करेंगे, सिर्फ तभी ये रुकेगा। मैंने शाह महमूद कुरैशी को, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनको मैंने कह दिया। उन्होंने कई मुसलमान मुल्क जो ओआईसी के मेंबर्स हैं उनसे बातचीत शुरू कर दी है। यूनाइटेड नेशंस में वो मीटिंग्स करेंगे और इंशाल्लाह हम एक ऐसा स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट करेंगे और समझाएंगे भी, उनको समझ नहीं है। थोड़े से लोग फितना करते हैं और अक्सरियत को समझ नहीं है, और वो थोड़े से लोग जान के ये करते हैं इस्लाम को बुरा भला कहने के लिए। तो इंशाल्लाह हम समझाएंगे भी उनको और प्रोटेस्ट भी करेंगे कि इस तरह की चीजें, एक सवा अरब दुनिया में इंसान रहते हैं, उनको तकलीफ नहीं पहुंचा सकते आप। और इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे।